जाने का। जो फाउंडेशन यहाँ पर पीएम ने रखा है, बनना कब शुरू होगा, कुछ डेट दीजिए, टाइमलाइन बताइए जनता को। अंजना जी, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात के सपूत अगर गुजरात में आते हैं, प्रधान सेवक एक तपस्वी जब गुजरात में आते हैं तो उसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम क्यों डरते हैं मोदी जी से इतना? पूरी कांग्रेस मोदी जी से क्यों डरती हो? आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी आते हैं तो उनके युवराज क्यों नहीं आते? उनके युवराज क्यों नहीं आते गुजरात में? इतनी बड़ी यात्रा लेके निकले हैं, भारत जोड़ो या भारत देखो या परिवार बचाओ यात्रा, जो भी यात्रा है उस यात्रा में गुजरात ही नहीं है। ताज्जुब की बात है, जहाँ चुनाव है उस गुजरात को। तो आपको क्यों चिंता हो रही है? चिंता इसलिए हो रही है हमें, आप खुश रहिए, कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कहा है कि गलती से गुजरात मत आना, गुजरात आओगे तो फिर से तुम्हारी वजह से हार का सामना हमें करना पड़ेगा। इस डर की वजह से वो गुजरात नहीं आते। और मुझे विश्वास है गुजरातियों पर, गुजराती लोग विकास के एजेंडे को पसंद करते हैं, गुजराती लोग प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को पसंद करते हैं। ये वडोदरा है जहाँ देश की पहली गतिशक्ति यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये वडोदरा है जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में पहली बार आई है, ये वडोदरा है जहाँ पर देश की दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये वडोदरा है जहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं, ये वही वडोदरा है जहाँ पे एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने काम किया था और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया था। ये वही वडोदरा है जिसका बस डेपो देखने के लिए पूरे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आते हैं। आपसे मैं विनती करता हूँ अंजना जी, आप भी यहाँ का बस डेपो देखना, एक बार बस डेपो की विजिट करना, आपको लगेगा कि ये मॉल जैसा मल्टीप्लेक्स सिनेमा के साथ बना हुआ एयरपोर्ट जैसा गवर्नमेंट बस डेपो कहीं पर है तो वडोदरा के अंदर है। ये मोदी जी की देन है। ठीक है, एक जवाब दीजिए जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एक जवाब कांग्रेस से लेते हैं, आधार पर ही काम करते हैं, विकास के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक जवाब। यहाँ से भी कुछ राहुल गांधी के नारे आए, तीन बातों का जवाब। पहले सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, नहीं पहले सवाल सुनिए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आ जाते राहुल गांधी, एक बार आए, आखिर क्यों? पहले सुनिए सुनिए, मैं सुनो मैं उस बात का जवाब देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये भारत जोड़ो यात्रा से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये भारत तोड़ने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, ये खुद वहाँ पे प्रोफेसर है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया। आज भी यूनिवर्सिटी में 650 टीचिंग की पोस्ट और 850 नॉन टीचिंग की पोस्ट खाली है, ये खुद वहां पे पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में राजनीति का अखाड़ा बनाया, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का नाम इन्होंने डुबोया है। दूसरी बात, एयरपोर्ट वडोदरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वागत किया था, यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, डोमेस्टिक फ्लाइट कम हो गई, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं हुई, डोमेस्टिक भी बंद हो गई। राहुल गांधी ने, सुनिए, राहुल जी गांधी ने जब 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया तो 5 सितंबर को उन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम पे जाके उनको नमन किया, गांधी के गुजरात में आके गांधी जी को नमन करके फिर 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर का यात्रा शुरू किया। राहुल गांधी बात करते हैं भारत जोड़ने की और ये बात कर रहे हैं भारत तोड़ने की। ठीक है, दूसरा, संजय शाह जी, एक जवाब मुझे जल्दी से आपसे लेना है। राहुल गांधी गुजरात में चुनावी प्रचार से जो बच रहे हैं उसकी वजह क्या समझ में आती है? उसका क्या असर हो सकता है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नॉन बीजेपी वोट्स बट रहे हैं वडोदरा में? सीधा प्रश्न। अंजना जी, अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो ये बंटवारा जो है वो क्लियर है। बीजेपी का सिक्योर वोट है, ऐसे कांग्रेस का भी सिक्योर वोट है, बट आम आदमी पार्टी किसके वोट काटेगी वो आज तक कोई तय नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के वोट काट सकती है, पॉसिबल है, अगर बीजेपी के वोट काटती है तो भारी नुकसान होता है। लेकिन बड़ौदा की जो 10 सीटें हैं, मेरे हिसाब से उसमें बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। दो में टक्कर है, लेकिन बीजेपी को हम आउट नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी की वजह से वार्ड शेयर जो भी डिवाइड होगा उसके ऊपर वो 2 सीट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, उनका भी ये मानना है। हम किसी पार्टी के आधार पर काम नहीं करते, हम जनता की सेवा के लिए निकले हुए लोग हैं।
जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज घर घर तक पीने का पानी मुहैया कराने का काम मोदी जी ने किया है। 108 की सुविधा उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया है। आज गुजरात का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पक्की सड़क ना हो। आज गुजरात में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां 24 आवर्स बिजली ना मिलती हो। आज गुजरात का एक भी एरिया ऐसा नहीं है कि जिन गरीब परिवारों को 5 लाख का सुरक्षा कवच ना मिलता हो। आज गरीब का एक भी गरीब किसान ऐसा नहीं है जिनके अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये एवरी ईयर प्रधानमंत्री दे रहे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि यही कोविड के बाद कोरोना में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने काम किया है, अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना जनता की सेवा की, और उसी वजह से कोरोना के बाद जितने भी चुनाव हुए सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है। यह दर्शाता है कि गुजरात की जनता जानती है कि गुजरात के लिए किसने काम किया है, और गुजरात की जनता यह भी जानती है कि गुजरात और देश का विकास किसने किया।